माय सिंपल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम व्हाट्सएप की डीपी में फुल फोटो कैसे लगाई जाती है यह देखने वाले हैं। दोस्तों कई बार हम व्हाट्सएप की डीपी सेट करना चाहते हैं, ऐसे वक्त हम जो फोटो सेलेक्ट करते हैं उसे हमें क्रॉप करना पड़ता है, वह पूरी फोटो हमारी डीपी पर आती नहीं है। तो दोस्तों उसे कैसे सेट किया जाता है यह मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यह बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जिसकी मदद से आप अपनी डीपी को फुल साइज़ में लगा सकते हो। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ही मैं किसी फोटो को डीपी पर सेट करने जा रहा हूँ यह हमें क्रॉप का ऑप्शन देता है, यह हमारी फुल साइज़ फ़ोटो नहीं लगाता है। दोस्तों आपको फुल साइज़ फ़ोटो कैसे लगाना है चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ऐसे दो तरीके बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से अपनी डीपी को फुल साइज़ में सेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम पहला तरीका देखते हैं। तो सिंपली दोस्तों आपको जो जिस फोटो को आपको डीपी रखना है उस फोटो पर जाना है, उसके बाद आपको फ़ोटो को 90 डिग्री पर रोटेट कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप फोटो को 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं इसके बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट निकाल देना है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट निकल चुका है, अब आपको बैक जाना है और आपके स्क्रीनशॉट फोल्डर में जाना है। दोस्तों यह रहा स्क्रीनशॉट का फोल्डर, यहाँ पर वो स्क्रीनशॉट आ चुका है। तो सिंपली आपको इसके फिर से रोटेट करके सीधा कर देना है और इसे थोड़ा सा क्रॉप कर देना है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी क्रॉप हो चुकी है, इसके बाद सिंपली इसे ओके कर देना है। अब आपको आपके WhatsApp पर जाना है और इस फोटो को सेट करके देखना है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो रिसेंट में यह फोटो है, सिंपली हम इसे क्लिक करते हैं और सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो यह फुल साइज में आ रही है। दोस्तों पहले यह फोटो हमारी 50% भी नहीं आती थी, अब हमारी यह फ़ोटो पूरी तरह से कवर हो चुकी है। दोस्तों तो इस तरह से आप किसी भी फोटो को फुल साइज़ में डीपी बना सकते हो। इसके बाद सिंपली दोस्तों आप इसे डन कर देना है। आप यहां देख सकते हो दोस्तों यह फुल साइज़ में हमारी डीपी आ चुकी है। तो दोस्तों यह रहा हमारा पहला तरीका, इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अब हमारे दूसरे तरीके की ओर। दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है फुल इमेज डीपी। सिंपली आपको प्ले स्टोर जाना होगा और इसके बाद यहाँ पर टाइप करना होगा फुल इमेज डीपी। दोस्तों यहाँ पर मैं इसे पहले ही डाउनलोड कर दिया है, इसके बाद आपको इसे ओपन करना होगा। तो दोस्तों यह ऐप ओपन हो चुका है, सिंपली यहाँ पर आपको सिलेक्ट फोटो में जाना होगा और गैलरी में से आपको एक फ़ोटो सिलेक्ट करना होगा। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पर एक फ़ोटो सिलेक्ट करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम यह फ़ोटो सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो यह फ़ोटो हमारी बिना क्रॉप किए ही डीपी के साइज़ में बन चुकी है। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ से इसे एडिट भी कर सकते हो या फिर इसे डायरेक्ट सेव भी कर सकते हो। दोस्तों हम इसे डायरेक्ट डीपी पर अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली आपको सेव पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेव इन गैलरी और व्हाट्सएप डीपी। सिंपली हम व्हाट्सएप डीपी पर सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो यह डायरेक्ट हमारी व्हाट्सएप डीपी पर आ चुकी है। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो यह पूरी फुल साइज़ इमेज है, इसे ज़रा सा भी आपको क्रॉप करना नहीं होगा। सिंपली इसके बाद आपको इसे डन कर देना होगा। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो यह हमारी पूरी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी फोटो को फुल साइज़ में डीपी बना सकते हो, वह भी बिना क्रॉप किए। दोस्तों यदि फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।